एवरीवन, आज हम आपको सिखाएंगे कि हम कैसे फूड रैपर्स को पौधे उगाने के लिए यूज कर सकते हैं। आमतौर पर हम लोग इन्हें फेंक देते हैं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। इससे हम अपने एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा गंदा करते हैं, इसलिए हमें इन्हें पौधे उगाने के लिए यूज करना चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए हमें सबसे पहले एक रैपर को ऊपर से काट कर उसे फोल्ड करना होगा। डालेंगे जिसकी मदद से एक्सेस वाटर निकल जाएगा और हमारे प्लांट्स मिट्टी में सड़ेंगे नहीं। इसके बाद हम इसमें सोयल डालेंगे जिसमें मैन्यूर भी है। फिर आप इसमें अपना मनपसंद पौधा लगा सकते हैं। अब इसमें पौधा लगाने के बाद हम इसमें आयरन या किसी नुकीली चीज की मदद से ड्रेनेज के लिए होल्स बना देंगे। इसमें होल्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे जिससे हमारा पौधा मिट्टी में सेट हो सके। आपको पहले से उगे कुछ अपने पौधे दिखाना चाहता हूँ। ये पौधा मैंने बीच से उगाया था और ये बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है। ये मेरा कड़ी पत्ता का पौधा है और ये भी मैंने बीच से उगाया था और ये बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है। ये कुछ और पौधे हैं जिन्हें भी मैंने बीच से उगाया था। इस पौधे की मैंने कलम लगाई थी जो बहुत अच्छी उग रही है। इसकी रूट्स भी बहुत लंबी हो चुकी हैं और इसमें एक फ्रूट भी आ चुका है। तो दोस्तों, आप इसी तरह अपने पौधे उगा सकते हैं और बजाय इन रैपर्स को एनवायरनमेंट में फेंकने के, इन्हें आप ऐसे यूज कर सकते हैं जिससे हमारा एनवायरनमेंट गंदा ना हो।